नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे, यूपी स्कॉलरशिप योजना 2019-20 के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। क्या है देखिए खुशखबरी है, और किन लोगों की स्कॉलरशिप आएगी, कि कैसी स्कॉलरशिप आएगी, ये हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। देखिए बहुत ही बड़ी खबर आई है कि यूपी स्कॉलरशिप योजना 2019-20 में SC ST छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म, तो जितने भी लोग हैं सबको स्कॉलरशिप मिलेगी। देखिए क्या है, यूपी स्कॉलरशिप योजना 2019-20 OBC SC ST छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप 2019-20 फॉर्म, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड यूपी से। देखिए क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि मतलब कि उन छात्रों को स्कॉलरशिप अभी भी मिलेगी। देखिए पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इस अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रदेश में की राज्य सरकार ने प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई की एक नई छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। तो देखिए उन्होंने एक नई छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। देखिए क्या हो नई छात्रवृत्ति, इस योजना के तहत प्रदेश में पढ़ाई प्राप्त कर रहे बच्चों को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप के रूप में आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि यह केवल आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए नहीं अपितु सभी श्रेणी के छात्रों के लिए इस योजना का है। यूपी स्कॉलरशिप 2019-20 इससे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना के नाम से भी जाना जाएगा। जो कि हम बता दें, ये जो योजना है मतलब ये एक तरीके की स्कॉलरशिप नहीं होगी, उनको पूरा का पूरा मतलब जिस क्लास के बच्चे उनकी पूरी एबिलिटी मतलब उनकी अगर योग्यता है तो उनकी पूरी खर्च उठाया जाएगा, जिससे उनको बहुत ही फायदा हो जाए। देखिए इसके बारे में और भी क्या जानकारी है, देखिए हम बता दें, यूपी स्कॉलरशिप योजना 2019-20 के अंतर्गत दो प्रकार की छात्रवृत्तियाँ बांटी जाती हैं। स्कॉलरशिप शुरू होने से उत्तर प्रदेश में रहे मेधावी छात्रों को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। जो मेधावी छात्र, जैसा कि आप जानते हैं, जो टॉप करते हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाते हैं अपने स्कूल में, तो उनको लाभ मिलता है। और छात्र जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक सहायता ना मिलने का पढ़ाई छोड़ी पड़ जाती है, और जो अच्छे हैं लेकिन भाई उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने का वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस योजना को सरकार ने दो भागों में बांटा है। इसमें 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति, 12वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया है। तो मतलब इसमें जो छात्रवृत्ति का प्रावधान है 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बाद रखा गया है। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना 2019-20 हेतु छात्रों को आवेदन स्कूल के द्वारा मांगे गए, छात्र अपने आप भी छात्रवृत्ति तलब ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी दी जाएगी, देखिए क्या दिए, यूपी स्कॉलरशिप योजना 2019 ये क्या है, 18-19 यूपी स्कॉलरशिप दो योजना 2019-20 में, तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आप भी इस योजना के तहत स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो इस पोस्ट के जारी हम आपको यूपी स्कॉलरशिप 2019 बारे में वह महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपको आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तिथियां पात्र होगी। जैसा कि हम बता दें, इसमें जो बहुत अच्छी जानकारी होगी, इसकी पूरी जानकारी इसमें बताया गया। देखिए क्या है, यूपी स्कॉलरशिप योजना प्रदेश भर में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा है। राज्य सरकार की तरफ से इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत सभी बच्चों को आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। स्कॉलरशिप के अंतर्गत दो तरह की स्कॉलरशिप आती है, जिनका नाम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम होता है। जैसे 10वीं और 12वीं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए समय समय बहुत सारी योजना लेकर आती है। किसी में से एक कन्या योजना भी यूपी स्कॉलरशिप 2019 की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे मेधावी छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो कन्या योजना भी चालू किया, छात्रवृत्ति उन्हें उनकी उच्च शिक्षा हेतु प्रदान की जाएगी। जो भी छात्र पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन धन के अभाव कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। ऐसे युवा छात्राओं छात्रों को सरकार द्वारा मेधावी उत्तर प्रदेश छात्र छात्राओं की योजना के अंतर्गत लाभ भी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानें, जो लोग कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति सबसे कमज़ोर है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो योगी सरकार ने ये ऐलान किया है उनकी पूरी मदद की जाएगी, और उनको फॉर्म कैसे भरना है ये भी पूरी जानकारी दी जाएगी, और उनके उनकी जितनी भी खर्चा वो सरकार उठाएगी। तो देखिए क्या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना क्या है, इस अंतर्गत जो बच्चे 9वीं 10वीं कक्षा में हैं वो आवेदन कर सके। पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप स्कीम क्या, इस स्कीम के तहत प्रदेश भर में वह बच्चे जो 11वीं 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, तो और बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं मतलब ग्रेजुएशन लोग लिए भी है कर रहे हैं, वो भी
पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 2018-19 में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके पास बहुत ही, देखिए क्या स्कॉलरशिप योजना की एबिलिटी क्या है, आवेदन के पास स्थायी निवास प्राप्त होना चाहिए, उनकी जो वार्षिक आय है 30,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, आवेदन सामान्य वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 50,000 होनी चाहिए। तो ये और उनको ये आधार कार्ड, वायु प्रमाण पत्र, योग प्रमाण पत्र, बैंक खाता नंबर, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो वो फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं अच्छे से और वो क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी न्यूज है। अगर आप जो भी बच्चे हैं इसकी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये उठा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जो कि स्कॉलरशिप से ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और जितना जितना इसको बांटोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, जो भी न्यूज़ आती है स्कॉलरशिप तो हम आपको बताएंगे।